प्रदर्शन दुर्ग में हो रहे प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया गया और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। दुर्ग से बड़ी खबर, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का धरना। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी धरने में शामिल हुए। धरने के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेरा काफिला रोका, 50 से 60 लड़कों ने मेरे काफिले को घेरा, बजरंग दल के गुंडों ने मुझे रोकने की कोशिश की। पूर्व सीएम ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। मैं जैसे अपने निवास से निकला, तिरसा गेट चौक के पास आया, 50-60 लड़के आग में थे। जैसे चौक में आया, पहुंचा गाड़ी, तीनों कारकेट मेरी पहुंची, वैसे ही 50-60 लड़के चौक पे आ गए और गाड़ी रोकने लगे। और गाड़ी रोक के वो नारेबाजी भी कर रहे थे, मेरी गाड़ी की भी रोके। और उसके बाद जो मेरी सुरक्षा कर्मी है उनके साथ धक्का मुक्की किए और पीछे वाली गाड़ी मेरे निकलने के बाद पीछे वाली गाड़ी की भी रोक लिए। ये सरासर गुंडागर्दी बजरंग दल के द्वारा किया गया है, कोई पूर्व सूचना नहीं। और इस प्रकार से मुझे रोकने की कोशिश की गई है। सुरक्षा सरकार की देने की जिम्मेदारी है और मुझे तिरसा गेट चौक में दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे मुझे रोक रहे थे। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। देखिए किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो किया गया। और ये रायपुर और दुर्ग से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं हाथों में तख्तियां लेकर। दूसरी तस्वीर दुर्ग से जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जब काफिला निकला तो वहां पर उनका आरोप था कि 50 से 60 लड़कों ने जो कि बजरंग दल के थे उन्होंने उनके काफिले को रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश भर में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। जगदलपुर में पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर आरोप लगाया। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार की नाकामी और देश में जग हस्ताई के कारण विपक्ष के नेताओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव को जबरन फंसाया गया है, जबकि उस आयोजन में बलौदा बाजार के आयोजन में वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े और उनके साथियों ने आयोजन कराया था। उनको अभी तक ना नोटिस दिया गया ना उनके ऊपर कोई कार्यवाही की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलापुर की भावना के साथ विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर रही है। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में हम जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर एक्टिव हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बता दें आपको कि प्रियंका गांधी ने एक्स हैंडल के जरिए बीजेपी को घेरा है। प्रियंका गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये ट्वीट जो है वो सामने आए हैं प्रियंका गांधी का, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तक
तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन देना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारी अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता, वो न तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में सर्विस रूल बुक का पालन नहीं हो रहा है, लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सरकार डराने धमकाने का काम कर रही है। पटवारी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिन्हा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों की का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस बुक का भी पालना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप आज छतरपुर की घटना, चाहे भिंड की घटना हो, चाहे आपके भीतरवाल लखन सिंह यादव यहाँ की घटना की, मकान तोड़े जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, अगर जो भी कहीं विरोध होगा कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। धन्यवाद। छतरपुर में कांग्रेस नेता के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इसी मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने डीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के नेता तब कहां थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे? ये अध्यक्ष साहब तब कहाँ थे जब यही आरिफ मसूद, यही इनके गुंडे नेता इस प्रकार से संविधान को हाथ में लेते हैं? ये पीसीसी अध्यक्ष तब कहाँ चले जाते हैं जब संविधान को तार तार करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कहीं पर असंवैधानिक चीजों को, घटनाक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून राज था, है और रहेगा। कल भी कार्रवाई हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी 10 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम मध्य प्रदेश का शासन करे। सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक में डायरिया का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। चैनपुर में फिर डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है। गांव में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि चैनपुर में पिछले 10 दिन से डायरिया फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप भी लगाया हुआ है जहां डायरिया संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है, जिसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग डायरिया को लेकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है। तमाम इंतजाम के बाद भी डायरिया से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। 13 तारीख से डायरिया का